तहसील प्रभारी कौशली इंद्र मौर्य के नेतृत्व में बिजली की पिछले 3 वर्षों से बनी समस्याओं को लेकर पूर्व घोषणा के अनुसार सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नैमिष राय के पावर हाउस पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कार्यकारिणी के सचिव उमेश पांडे ने कहा कि ग्राम औरंगाबाद क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से 24 घंटे में मात्र 2 या 3 घंटे बिजली की आपूर्ति, वह भी इतना लो वोल्टेज जिससे पानी का मोटर तो दूर बल्ब के मात्र तार ही जलते हैं। ऐसे में कैसे हो सकती है सिंचाई? खेत पानी के अभाव में किसानों की फसलें सूख रही हैं, फसलें न होने से किसान भूख में मर रहा है। पिछले 3 वर्षों से अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा रहा है, पर हर बार आश्वासन दिया जाता है। इस बार आश्वासन से समझौता नहीं होने वाला है, अब आर पार की होगी लड़ाई। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी लड़ाई जारी रहेगी। प्रदर्शन इतना उग्र था, मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के एक्सिन एसडीओ व जेई ने मांगों को मानते हुए अगले दिन से कार्य आरंभ करने की बात कही, तब जाकर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। सीतापुर से राम सागर पाल की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। विभाग के विरुद्ध जो है आप लोग धरना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पिछले 3 वर्षों से मार्च से लेकर अक्टूबर तक, और नीम साल पुराना जो गांव का पावर हाउस है देहात का, इसका जो औरंगाबाद फीडर है, इस पर 440 के सापेक्ष 180 वोल्टेज मिल रहा है। पूरे 3 साल हो गए। अच्छा। हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की फसलें सूख जाती हैं, ये तार बदल जाएंगे, वो पावर हाउस खुल जाएगा, ये दुनिया भर का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। इस बार तो 150 वोल्टेज पहुंचा, मोटर चलना बंद हो गए, पानी निकलना बंद हो गया। अच्छा। हम लोग इसलिए आए हैं कि या तो बिजली दो, या व्यवस्था सुधारो, या हम लोगों के 3 साल के बिल माफ करो। और जब तक ये नहीं करेंगे, ना हम जाएंगे, ना एक्शन को यहाँ जाने देंगे। हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तो चाहे हमको ट्रेन रोक नहीं पड़े, चाहे हमको रोड जाम करनी पड़े, और चाहे हमको पुलिस से गोली खानी पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास है, जब तक लोग शहादत नहीं देते तब तक सरकारें जागती नहीं है। हम ये मांग के आए हैं कि 10,000 किसान अपनी फसल सूख जाने से भूख से मरे, इससे बढ़िया है कि 3 से 4 किसान पुलिस की गोली से मारे जाएं, सरकारें जागे, हमको बिजली दे। ये मांग है।